फिर अगर हम लोग गेमिंग फोन की बात करें गाइस, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है गेमिंग फोन में होने चाहिए वो है उसका प्रोसेसर जो एकदम अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसका रैम जो एकदम फास्ट हो, उस फोन की बैटरी जिससे आप कितने लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 3 फोन्स बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि 15,000 के नीचे आपको सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस देंगे। एंड यहाँ पर मैंने कुछ टॉप 5 वगैरह नहीं रखा है, जो फोन मुझे जेन्युइन लगे कि गेमिंग में सबसे बेस्ट रहेंगे सिर्फ उनको ही मैंने इस लिस्ट में लिया है। सो एनीवेज गाइस, इट्स मी तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। वेल गाइज, इस लिस्ट में मैं जितने भी फोन्स आपको बताऊंगा उनको मैंने नंबर वाइज रैंक किया है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 फोन से एंड हम लोग जाएंगे नंबर 1 पे टॉप तक। तो सबसे पहला फोन जो मैं रेकमेंड करूंगा वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9। एंड ये फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, काफ़ी नया फोन है। एंड इफ़ वी थिंक अबाउट द डिज़ाइन, यहाँ पर पूरा कॉपी डिज़ाइन है। रेडमी नोट 9 प्रो एंड प्रो मैक्स का जो डिज़ाइन था, जो पोको M2 प्रो में हमको देखने मिला था, वो सेम डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस देखने मिल जाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की जो आपको गेमिंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको हीलियो G85 प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो 12 नैनोमीटर प्रोसेस पर रन करता है। एंड इसका अगर हम लोग टॉप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2 GHz टॉप फ्रीक्वेंसी पर ये वर्क करता है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में मैं आपको सबसे टॉप वेरियंट बताऊंगा जो 15,000 के नीचे ले सकते हो। तो यहाँ पर रेडमी नोट 9 में आपको 6 GB रैम एंड 128 GB का स्टोरेज देखने मिल जाएगा। रैम यहाँ पर LPDDR4X है एंड स्टोरेज आपको 128 GB eMMC 5.1 स्टोरेज देखने मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें कैमराज की, तो यहाँ पर 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा एंड 13 इन द फ्रंट। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बैटरी, यहाँ पर आपको 5020 mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी एंड विथ 22.5 W फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर आपको 9 W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। देखा है तो यहाँ पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज है ऑप्शन, तो आप यहाँ पे 2 SIM के साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। वेल, रेडमी नोट 9 में आपको 6.53 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने मिल जाता है विद अ डॉट नॉच ऑन द लेफ्ट साइड। तो डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी ठीक ठाक ही लगता है मुझे, अच्छा है, बैक साइड में भी काफ़ी कूल लुक मिलता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो हीलियो G85 वैसे तो एक गेमिंग प्रोसेसर है, बट कुछ रिव्यूज़ में ऐसा हमें पता चला है कि जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है अब तक। तो अगर आप सोली गेमिंग के लिए देख रहे हो तो शायद आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट करना पड़े जब तक ये इश्यूज़ फिक्स नहीं होते। और अगर हम लोग बात करें रेडमी नोट 9 के स्टोरेज वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप देखने मिल जाता है जो UFS से कम है। मतलब जो eMMC स्टोरेज टाइप की जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो आपको UFS स्टोरेज से कम देखने मिल जाती है। तो कहीं कहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आपको मार खानी पड़ेगी। एनीवेज, ये फोन आपको मिल जाता है 14999 में एंड इफ यू वांट, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगर आपको खरीदना है तो। वेल, सेकंड फोन की तरफ बढ़ने से पहले आपने नोटिस किया ही होगा कि मेरे हाथ में एक स्मार्ट वॉच है। एकदम सस्ते में आपको एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है 1500 के नीचे, तो जरूर चेकआउट कर लो इसका वीडियो में, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा। काफी अमेजिंग फीचर्स है, बहुत कुछ कर सकते हो आप इस स्मार्ट वॉच से, अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो एनीवेज, चेक कर लेना। एंड अभी हम लोग चलते सेकंड फोन की तरफ। जो सेकंड फोन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 15,000 के नीचे गेमिंग के लिए कम्स फ्रॉम पोको एंड इट इज द पोको M2 प्रो। अभी हम लोग बात करते हैं पोको M2 प्रो की, तो यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है वो सिमिलर देखने मिल जाता है सारे रेडमी नोट 9 सीरीज से। तो डिज़ाइन में आपको यहाँ पे 6.67 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने मिल जाता है विद गोरिल्ला ग्लास 5 सपोर्ट। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, तो एक 8 नैनोमीटर प्रोसेस पर रन करता है। तो स्नैपड्रैगन 720G के साथ आपको बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखने मिल जाएगी एंड 720G का जो क्लॉक स्पीड है वो 2.3 GHz तक जाता है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको भी काफ़ी बूस्ट मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको 6 GB LPDDR4 रैम देखने मिल जाता है एंड 64 GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने मिल जाता है जो UFS 2.1 टाइप का है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो eMMC स्टोरेज है रेडमी नोट 9 में उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है, तो इसलिए UFS 2.1 यहाँ पर काफ़ी बेटर निकल के आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस फोन से कैमराज की, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में एंड आपको यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने मिल जाता है, तो आप यहाँ पे लॉन्गर आवर्स ऑफ गेमिंग कर सकते हो। 33 W का फास्ट चार्जर भी देखने मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इस फोन की अपसाइड के बारे में बात करें तो अच्छी खासी बैटरी आपको देखने मिल जाती है, बहुत ही फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है एंड इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन 720G काफी बेटर परफॉर्मेंस देगा इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक पोको M2 Pro 14999 में काफी अच्छा निकल के आ जाता है। बट यहाँ पे और एक बेटर चीज
सीरीज भी है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी मेरे हिसाब से। एंड उसके लिए हम चलते हैं हमारे लास्ट फोन पे जो मैंने नंबर वन पे रखा है इस लिस्ट में, एंड दैट इज द रियलमी 6i। रियलमी 6i भी लेटेस्ट लॉन्च है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको फीचर देखने मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने मिल जाता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, एंड यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे 90Hz रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ जाता है, आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने मिल जाता है जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। UFS 2.1 टाइप है तो डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन रीज़न क्यों मैंने इसको नंबर वन पे रखा है गेमिंग के लिए, इज द हीलियो G90T प्रोसेसर। वेल हीलियो का जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड है, एंड यहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। तीनों भी फोन से कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रैम स्पीड देखने मिल जाती है इस प्रोसेसर के साथ, एंड जो इसका क्लॉक स्पीड है वो भी 2.05 GHz पे ये रन करता है। एंड जो मेन फैक्टर इस प्रोसेसर को इतना फास्ट बनाता है आर द 6 2GHz कोर्स, जबकि बाकी दो प्रोसेसर में थोड़े कम स्पीड वाले कोर्स है, इसलिए यहाँ पर एकदम परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देखने मिल जाता है इस प्रोसेसर के साथ। अगर अभी हम लोग बात करते हैं इस फोन के बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो 4300 mAh की बैटरी आपको देखने मिल जाती है विद 20W फास्ट चार्जर। वेल ये 30W सपोर्ट करता है बट बॉक्स के साथ आपको 20W ही देखने मिल जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बैटरी एंड जो चार्जर है वो थोड़ा सा कम देखने मिल जाते हैं, बट जो डिस्प्ले है एंड इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर्ड और इन टर्म्स ऑफ गेमिंग हम लोग बात करें। तो ये सब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की कि एग्जैक्टली आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए 15,000 के नीचे। तो अगर आपको परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहिए एंड 90Hz आई रिकमेंड गेटिंग दैट, तो आपको रियलमी 6i सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा। बट अगर आपको स्टोरेज को इंपॉर्टेंस देनी है, आपको एक ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है एंड एक डिसेंट सा प्रोसेसर चाहिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत गेमिंग हो जाएगी, तो रेडमी नोट 9 आई विल सजेस्ट। बट देन रेडमी नोट 9 अगर आप खरीदने वाले हो उससे पहले एक वीडियो देख लेना, बीबॉम की तरफ से एक वीडियो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप रेडमी नोट 9 खरीदने वाले हो। तो लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर बात आती है पोको M2 प्रो की, तो ये एक काफ़ी बैलेंस्ड फ़ोन है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है, आपको बैटरी सेविंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आपको सबसे ज़्यादा बैटरी भी सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्पीड देखने मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम परफॉर्मेंस, एकदम बैलेंस परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड एज ऑलवेज नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। एंड ऑल्सो गाइस, जाने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे दी है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस रिलेटेड, जो भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे पूछना है, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन हो सकते हो एंड वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इसमें साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।